तकिए को इंग्लिश में कहते हैं पीलो, तकिए को इंग्लिश में कहते हैं पीलो। और आज अमन और खुशबू यूज करने वाले हैं थिंक सी चारोली येलो 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 एंड ओनली येलो। सो गाइस, आज के चैलेंज में हम जितने भी चीजें खाएंगे, पिएंगे, नहाएंगे और धोने के लिए यूज करेंगे, वो सारी की सारी चीजें पता है आपको कौन सी कलर की होगी? येलो 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 येलो। खुशबू, कैसा लग रहा है तेरा नया नया नाइट सूट? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस, इसने ना जबरदस्ती उनसे ना ये नाइट सूट किनवाया, क्योंकि इसको है ना शो ऑफ करना था कि मेरे पास भी नाइट सूट है। सो गाइस, कमेंट करके बताना हमारा जो बैकग्राउंड है वो आपको कैसा लग रहा है। और गाइस, इस वीडियो में थोड़ी सी एक्टिंग मैं कम करूंगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो कि अमन भैया ना बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं। सो इस बार मैं ओवर हटा दूंगा, सिर्फ एक्टिंग करूंगा, एकदम स्ट्रेट होके बिना हाथ हिलाए बोलूंगा और आप लोगों को बहुत ही कम हंसाऊंगा, एकदम सीरियस होके अपना ब्लॉग बनाऊंगा। ठीक है? ठीक है ना? ठीक है, चलिए बनाते हैं। वैसे ना कैमरा स्टार्ट होती है ना नींद आने लगता है, इसको बहुत ही आलस आता है। चल रही है कि मैं नहीं? आलसी नहीं। तू आलसी है? कुछ भी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। सो गाइस, आ चुके हैं हम अपने वेरी एक्सपेंसिव, वेरी लग्जूरियस बाथरूम में। ब्रश करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं येलो कलर का टूथ ब्रश है ना, 5-6 साल के बच्चों वाला है। हमें छोटे बच्चों वाला ही ब्रश मिला, हमें बड़े बच्चों वाला ब्रश मिल ही नहीं रहा था, इसलिए हमने छोटे बच्चों वाला ब्रश उठाकर लेकर आ चुके हैं। अचंभव नहीं होता, नहीं पता नहीं क्या होता, एक्साइटेड बोल, एक्साइटेड हो गए होंगे। हाँ, आप लोग बहुत ही एक्साइटेड हो गए होंगे कि आप घर पे कैसे टूथपेस्ट बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं घर पे टूथपेस्ट। उसके लिए आपको चाहिए टर्मरिक ऑयल और बेकिंग सोडा। हिलाना ऐसे ही बन करने लगता मतलब मिक्स करके फिर यूज करना ऐसा। सो गाइस, मुझे खुशबू पे थोड़ा भी विश्वास नहीं है। अगर मैं ये टूथपेस्ट जो है वो यूज करूंगा, अगर मेरे दांत पीले के पीले ही रह गए तो, क्योंकि हल्दी, इसलिए अगर वो हल्दी निकला नहीं तो। सो आप लोग कमेंट मत करना कि अमन भी आपके दांत पीले दिख रहे हैं। ठीक है? एंड मेंडो पता है वो रील्स चल रहा है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपके दांत येलो होंगे ना तो घुसा दे, वाइट हो जाएगा। और ये लेके आई हूँ पियर्स का साबुन, जो मुझे पड़ा है 65 रुपीस का। हाँ, 65 रुपीस का, और ये इतना भारी है कि मारूंगी ना तो भैया बेहोश हो जाएगा। मतलब तू यही सब करेगी? मैं नहीं करूंगी, मेरा एक ही तो भाई है। और मैं लेके आई हूँ 225 रुपए का ये बाल्टी। गाइस, ये अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, मींस एक्सपेंसिव बाल्टी है। अभी तक के आपने जितने भी बाल्टियां देखी थी, जो हम गली गली भटक भटक कर दुकानों में जाकर, वो जो रास्ते पे लगाते हैं वहां पे जाके ढूंढ कर लेकर आए थे, वो सारी की सारी बाल्टियां थी 50 रुपए, 60 रुपए, 150 रुपए। लेकिन ये जो बाल्टी है वो हम मॉल से लेकर आए हैं, और ये बाल्टी के लिए मम्मी ने हमें 2 घंटे सुनाया, क्योंकि मम्मी के हिसाब से ये जो बाल्टी है वो 250 रुपीज की नहीं है। सो ये जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है हमारे लिए, और ये हम लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ ये चैलेंज के लिए। सो इसी बात पर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अमन डांसर रियल। खुशबू तो ऑलरेडी नहाने के लिए निकल चुकी है, और मैं भी मिलता हूँ आपको नहाने के बाद एकदम सुंदर सुंदर कपड़े में। So guys, मैंने बात ले लिया है, और now it's time to सजने और सवरने का, सवरना सजने का जो भी कहते हैं। और मेरे पास तो बहुत ही येलो येलो चीजें हैं, बहुत ही सारी है, तो 3, 2, 1 नहीं बताऊंगी, रुक जाओ इधर ही, अब देखो। वाओ, कितनी चीजें हैं मेरे पास येलो येलो कलर की। मेरे पास है पहनने के लिए ये येलो कलर की मस्त सी कुर्ती, दुपट्टा, लहंगी, और 200 करोड़ रुपए की ये ज्वेलरी मैंने मनीष मल्होत्रा से ऑर्डर दिया था बनाने के लिए, क्योंकि येलो चैलेंज है इसलिए मेरा। कुछ भी फेंकती है। सो गाइस, ये 200 रुपए की है सिर्फ, और थलतेज में मिलती है। और इस
सारा का वेरी एक्सपेंसिव 5000 रुपए का बैग जिसमें मैं जाऊंगी और लेज येलो वाला खरीद के लाऊंगी। इससे पहले मम्मी सब्जी लेने चली जाएगी इसमें। नहीं मैं ही जाऊंगी पहले। तेरे से पहले मम्मी ही जाएगी, मुझे पता है। ये नेल पेंट, क्लचर, कार में लगाने वाला रबर बैंड, ये इयररिंग्स और ये मेकअप ब्रशेस। सो गाइस ये येलो नहीं थे, हमने येलो किया है रिबिन लगाकर। मैं और खुशबू जो है वो रेडी हो चुके हैं और मैंने पहना है ये येलो कलर की बेसिक सी टी शर्ट जिसमें बहुत सारे कलर्स नहीं है, सिर्फ येलो और व्हाइट है। और मैंने पहना है नीचे ये येलो कलर का पैंट। आपको नहीं लग रहा होगा येलोपन, ये येलो ही है, आपको मानना पड़ेगा ये येलो ही है। मैंने बहुत ही मुश्किल से ये वाला पैंट है ना ढूंढा है और मुझे तो मॉल में कुछ मिल ही नहीं रहा था येलो पैंट में। फिर मैंने सोचा कि मैंने एक चैलेंज में येलो पैंट पहना है, सो मैंने वही पैंट पहन लिया है। आप गेस करना मैंने कौन से चैलेंज में पहना है। अब हम खाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट जिससे हमारे में भरपूर एनर्जी आ जाए। सो चलते हैं किचन में, देखते हैं मम्मी क्या बनाती है, बना रही है, बना चुकी है, पता नहीं। सो गाइस सूत्रों से पता चला है आज मम्मी बना रही है गुजरात की फेमस खांडवी, हांडवी पता नहीं क्या बना रही है। सो गाइस मेरे ब्लॉग्स चैलेंजेस में आपको सारी गुजरात की फेमस चीजें जो है वो देखने को मिलेगी और मुझे बड़ा दुख होता है कि आप वो सिर्फ देखते ही हो, खा नहीं सकते मेरी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ। लेकिन कभी मिलोगे तो मैं आपको जरूर खिलाऊंगा। गाइस पता नहीं ये मम्मी और खुशबू ने ये क्या बना दिया है। अरे हांडवी होता है ना उसको ऐसे ही रेडी किया जाता है। जब खांडवी बन रही होगी तब आपके दिमाग में वो हो रहा होगा कि ये क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी चीज बनकर आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। टाडा, सो गाइस देख सकते हो कितना यमी लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। यही हम खाएंगे और पिएंगे हम सबका बचपन का प्यार, बताओ फ्रूटी। सो गाइस कमेंट करके बताना किस किसने नहीं पिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सबने पिया ही होगा, सबके मामा ने उनको पिलाया ही होगा। फिलहाल हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ये फ्रूटी और खांडवी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ। सो खुशबू तेरे को कैसा लग रहा है? मुझे ये बहुत ही फैबुलस लग रहा है। सो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा हर चैलेंज का फेवरेट पार्ट, जब खुशबू करती है घर का काम। क्योंकि चैलेंज के अलावा तो ये कुछ घर का काम करती ही नहीं, इधर उधर घूमती रहती है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो चैलेंज के बहाने कुछ तो घर का काम सीख रही है। सो मैं दिखाता हूँ खुशबू अभी क्या कर रही है। आप लोगों ने तो गैस कर ही लिया होगा कि खुशबू अभी क्या कर रही होगी। सो गाइस खुशबू धो रही है बर्तन। सो गाइस इतनी खूबसूरत लड़की को बर्तन धोते हुए आपने कभी देखा है? नहीं। अगर नहीं देखा तो आज आपने देख लिया। अच्छा तू अपने आपको खूबसूरत समझती है? हाँ, तो मैं कुछ तो खूबसूरत है ही नहीं। हाँ, आप भी हैंडसम नहीं हो। मैं तो हूँ गाइस। हाँ। लिखते है पता है? हाँ, तो खुशबू भी लिखते है ना कि खुशबू क्यूट है, वो हैंडसम है, प्रीटी है, इंटेलिजेंट है, और बस रहने दे, और झूठ नहीं बर्दाश्त होता, ब्यूटीफुल है। ओह रहने दे, इतना झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाके हर वीडियो के कमेंट में देख लो, एक ना एक कमेंट तो होगा ही। वो धो रही है पीले कलर के बर्तन, पीले कलर के डिश वॉशर के साथ, और ये क्या बोलते हैं उसको, रगड़ने वाला। ये ना बॉडी साफ करने वाला होता है, बट हमने इसको बर्तन साफ करने वाला क्योंकि हमारे पास येलो कलर का नहीं है। क्या दिमाग है। और पीले कलर के बाल्टी के साथ ये धो रही है, ये सब काम कर रही है। सो इसको डिस्टर्ब नहीं करते और यही मैं थंबनेल रखूंगा। ग्रीन फूड जैसे नहीं, यही मैं थंबनेल रखूंगा, देख लेना। ये इधर देख, चीज कर, चल चीज
चीज, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। तो गाइस हमें इससे खेलना नहीं आ रहा था, इसलिए पायल आई है हेल्प करने। इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, कैसे कर रही है? फूंक मार के। अच्छा तू कर दो खुशबू, देखो इस गाइस इससे नहीं होगा, देखते रहना गाइस। देखा मैंने बोला ना इससे नहीं होगा, थोड़ा होता है फिर चला जाता है। तो गाइस पायल फाइनली आ चुकी है हमारे ब्लॉग में। तू है प्रेजेंटेबल, तू ऐसे ही बहुत खूबसूरत दिखती है। तेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, तेरे गाइस बोलते हैं, तेरे दोस्त बोलते हैं जो ब्लॉग देखते हैं वो। सो गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर स्नैक्स। स्नैक्स के लिए हमारे पास बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेफर। नेक्स्ट टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय किया और सारे के सारे वेफर्स खा लिए और अब हमारे पेट में थोड़ी भी जगह नहीं है। सो हम थोड़ी देर बस इतना सा सोने जा रहे हैं। हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर सोएंगे, फिर थोड़ी देर में मिल जाएंगे, ठीक है? इट्स डिनर एंड डेजर्ट टाइम गाइस। और डिनर और डेजर्ट में आज हमारे पास ढेर सारी बहुत ही अद्भुत चीजें, वो है ये हमारे पास है आज खाने में गाठिया, पपीते का छुन्ना एस पर खुशबू, मिर्ची है पर वो हम नहीं खाएंगे, है हमारे पास गुजराती गाठिया कढ़ी, फ्लो में कहीं और ही चला गया कढ़ी जो बहुत ही मीठी मीठी है, राजभोग, और है हमारे पास राजभोग आइसक्रीम, और है ये पाइनएप्पल पेस्ट्री। बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रहा है और सामने जो कैमरा पकड़ी है पानी भी पानी आ रहा है। सो ये सब अब हम फिनिश करेंगे। ऐसा लग रहा है इतना सारा येलो खाना देखकर, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इतना सारा येलो खाना देखकर, और सारी चीजें मेरी फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा फेवरेट नहीं है। खाने की चीज इसको सारी फेवरेट ही लगती है। बस मैं यही बोलने वाली थी। और खुशबू अभी सोके उठी ना, इसका आवाज थोड़ा अलग लग रहा है। सो गाइस जो लड़की को करेली की सब्जी अच्छी लगती है उसको क्या नहीं अच्छा लगता, मुझे ये बता दो। क्यों? क्योंकि ये एक्सपायर्ड हो गई है। तुझे कैसे पता ये एक्सपायर्ड है? तुम लोग मुझे लेके नहीं गए ना, इसी का ये परिणाम है। सो सच्ची एक्सपायर्ड है? हाँ, देख इसके नीचे क्या लिखा है, 1 सितंबर। अच्छा वेरी गुड, हमें बीमारियों से बचा लिया पायल ने। क्लैप 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 क्लैप। मैं और खुशबू फिनिश करते हैं अपना डिनर प्लस डेजर्ट, और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमने अपना पीला बॉटल नहीं दिखाया था तो देख लो, हमने येलो बॉटल भी खरीदा है। जल्दी जल्दी से 300 के कर दो सब्सक्राइबर्स। मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी देखनी है। तब तक के लिए बाय।